आठवीं में पढ़ते हैं राष्ट्रपति, खेती कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के हिस्से आई मजदूरी, सोनिया करती हैं साइकिल सवारी, एसडीएम दरोगा एसपी कलेक्टर, एक ही गांव में है सबका बसर। शेक्सपियर ने भले ही कहा हो नाम में क्या रखा है, लेकिन जनाब इस अजब गांव में गजब नाम रखने की परंपरा सबको हैरान कर देती है। स्कूल से निकलने वाले इन बच्चों की भीड़ में राम श्याम या सीता नहीं, बल्कि कलेक्टर से लेकर इंदिरा गांधी तक सब मिलेंगे। जी हाँ, सूरजपुर जिले के गांव राई में विकास हुआ हो या ना हुआ हो, यहाँ प्रशासन और शासन के सारे पद आपको मिल जाएंगे। हमारे यहाँ तो सभी नाम के हैं, राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, एकरा भी हैं, और वही दरोगा भी हैं, डीओ हैं, एसडीएम भी हैं। साहब के नाम तो रख लिए, लेकिन काम कैसे बदले, इसलिए मुख्यमंत्री जी मजदूरी कर काम चला रहे हैं। गांव में मंत्री जी भी हैं, जिन्हें खेती बाड़ी से ही गुजारा करना पड़ता है। रही बात सरपंच जी की, तो भाई नाम के ही सरपंच हैं, काम है ड्राइवरी। मुख्यमंत्री राम, ये नाम कैसे पड़े? गांव वाले रख दिए थे। तो ऐसे में कोई दिक्कत होती क्या तुमको? नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? मंत्री सिंह। कौन सा नाम रखा तुम्हारा? घर वाले रखे थे, मंत्री मंत्री बोलते थे ऐसे, फिर गाँव दोस्त लोग थे, लोग जैसे बोलते थे, फिर स्कूल में यही नाम हो गया। कितने क्या करते, क्या हो? बस बस खेती बाड़ी करते हैं। क्या तुम्हारा? सरपंच। क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। कौन रखा है नाम? गाँव वाले रखे हैं। शासन मौजूद है तो प्रशासनिक व्यवस्था भी जरूरी है, चाहे नाम को ही सही। इसलिए गांव में कलेक्टर खान मौजूद हैं, डीओ देवांगन जी भी पुकारे जाते हैं, लेकिन नौकरी दोनों को नहीं मिली, सो ये भी मजदूरी और किसानी कर रहे हैं। कलेक्टर खान, क्या करते हैं? ऐसे खेती बाड़ी करते हैं कुछ। तो ये कहीं भी जाता तो कलेक्टर नाम से पुकारा जाता तो कुछ चेंज लगता है, कुछ बदलाव लगता है? जी अच्छा लगता है, मेरे को लगता है कलेक्टर का पद में हूँ। बचपन में जब मैं खेलने जाता था ना, तो लोग मेरे को डीओ डीओ बोलते थे, लेकिन डीओ अधिकारी तो नहीं बन पाया, लोग डीओ डीओ बोलते हैं। तो कैसा लगता है ये डीओ सुन के? अच्छा लगता है, लोग बुलाते हैं डीओ। करते क्या हो? बस खेती किसानी करता हूँ, इंचार्ज होता हूँ। कलेक्टर और डीओ तो नाम पड़ गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इसी गांव में राष्ट्रपति जी आठवीं पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम तुम्हारा? राष्ट्रपति कतरा। कौन सा क्लास पढ़ते हो? आठवीं। आप क्या समझ रहे हैं, बच्ची साइकिल चलाना सीख रही है? नहीं जनाब, इसे हल्के में मत लीजिएगा, इन्हें देख बड़े बड़े रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका नाम है सोनिया गांधी, और गांव में सोनिया ऐसे ही तो आ नहीं जाएंगी, इसलिए इंदिरा गांधी ने दोबारा जन्म लिया है। क्या नाम तुम्हारा? सोनिया गांधी। कौन सा कक्षा पढ़ते हो? छठी। सोनिया गांधी का नाम तो सुन लो, कौन है सोनिया गांधी जानते हो? नहीं। इंदिरा गांधी। कौन रखे थे ना? गांव वाले। तो सुने आपने ये नाम, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं, बल्कि इंसानी मानसिकता का भूला भाला उदाहरण है। जिन नामों से गांव वाले प्रभावित हुए, उन्हें खुद से बड़ा माना, बस वही नाम अपने बच्चों का रखते चले गए। पुराने लोग उस समय उतना पढ़े लिखे थे नहीं, शिक्षित नहीं थे, और उसी के हिसाब से जो उनके मन में आया उसी हिसाब से नाम रख दिए, किसी का राष्ट्रपति रख दिए, किसी का प्रधानमंत्री रख दिए, किसी का कलेक्टर, किसी का मंत्री, किसी का डीओ, किसी का दरोगा, जो मन में उनके आया वही नाम लोग रख दिए। लोग कहते हैं नाम का असर जीवन पर पड़ता है, इसलिए अच्छे नाम रखे जाते हैं, लेकिन ये मान्यता यहाँ तो गलत ही साबित होती है। राष्ट्रपति से लेकर बड़े नेता और सभी पद नामों में मौजूद हैं, लेकिन इनकी किस्मत नहीं बदली। जी हाँ, इन नामों ने गांव को जरूर मशहूर कर दिया। ओपी तिवारी, सहारा समय, सूरजपुर। अजब गांव के बाद अब बात गजब गाय की। जी हाँ, ऐसी गाय जो आपने कभी ना देखी होगी, ना जिसके बारे में सुना होगा।
जिसे लोग कहते हैं कलयुग की कामधेनु। ये गाय पिछले 15 साल से लगातार दूध दे रही है, जिसके बारे में सुनकर खुद पशु चिकित्सक भी हैरान रह जाते हैं। कहाँ है ये गाय और क्या है इसका राज, आइए जानते हैं। कभी देखी है ऐसी गाय? परिवार के लिए बनी खाए, 15 साल से लगातार दूध, क्या ये है कामधेनु का रूप? देखने में तो गाय किसी आम गाय सी ही लगती है, लेकिन फिर भी इस गाय ने न सिर्फ अपने मालिक बल्कि पूरे गांव को मशहूर कर दिया है। ये पिछले 15 साल से लगातार दूध दे रही है। आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है, लेकिन है जनाब, आप भी हैरान रह जाएंगे जब इस गाय की करामात सुनेंगे। इस गाय ने 15 साल पहले एक बछिया को जन्म दिया था और उसके बाद से जो दूध देने का सिलसिला शुरू हुआ तो आज तक जारी है। बिना दूसरा बच्चा जने ये गाय दूध दे रही है। ये गाय वास्तव में माता का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, और हमने इतिहास में पुराणों में पढ़ा है कि कोई कामधेनु होती है, कामधेनु गाय हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में ऐसे कलयुग के समय में हमारे गांव महोपुर में ये अनोखी गाय है जो लगातार जो है जब भी चाहे ताजा दूध आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। कितनी बार जनी हुई आपसे? एक बार। जब से बिना उसके जनी दिया दूध दे रही, क्या मानती है आप इसको? लक्ष्मी। बिना जने लगातार दूध, लोग मानते हैं लक्ष्मी का रूप। गौ माता का ऐसा चमत्कार, देवी मान हो रहा है सत्कार। सीहोर के इच्छावर तहसील के गांव भाऊखेड़ी के किसान के यहाँ 20 साल पहले जन्मी ये बछिया लक्ष्मी का रूप मानी जाने लगी है। इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। गांव में तो हर शुभ काम से पहले गौ माता का आशीर्वाद लिया जाता है। मान्यता है कि इसके सामने मानी गई हर मनौती पूरी हो जाती है। सच्चे दिल से जो मांगते हैं वो मनोकामना भी पूर्ण होती है। अच्छा, लोग दूर से भी आते हैं देखने के लिए? दूर से भी आते हैं, दूर दूर से हमेशा देखते रहते हैं, इसको गांव वाले भी देखते रहते हैं और इसी प्रकार से सेवा करते रहते हैं। जो इच्छा बने वो अन्नदान गाय को खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, भोग लगते हैं। अजब गाय की अनोखी कहानी, प्राणी विज्ञान को भी है हैरानी। ये अनोखी गाय दिन में 6 से 8 बार में तकरीबन 2 लीटर दूध देती है। आखिर ये गाय कैसे इतने सालों से बिना रुके दूध दे रही है? प्राणी चिकित्सक भी इससे हैरान है। वो भी मानते हैं कि ये रेयर ऑफ द रेयर केस है, जिसमें कभी कभी बच्चा जनने के बाद जानवर में हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, जिसके बाद वो दूध देती रहती है। इसके केसेस बहुत ही रेयर केसेस हैं, बहुत कम समय में आते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टि से दो इसमें हार्मोनल इंबैलेंस के कारण हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम जो रहती है उसका जो हार्मोन होता है वो हार्मोन ज्यादा मात्रा में बन जाने से हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है और उसके कारण लगातार पशु दूध देता रहता है। ये तो रही चिकित्सा की बात, लेकिन हम भी इस गाय को रेयर ही मानेंगे। चमत्कार भले ही ना हो, लेकिन 15 साल से लगातार इस तरह दूध देना किसी आश्चर्य से कम नहीं। इस गाय पर बाकायदा रिसर्च होनी चाहिए, वरना कामधेनु के इस अवतार का राज ही रह जाएगा। अनिल सक्सेना, सहारा समय, सीहोर।